मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किया था. सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम is called instantaneous reaction. ऐसा डेफिनेशन हमने पहले पढ़ा था प्रीवियस क्लास. तो चेंज ऑफ इन कंसंट्रेशन एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. अब ग्राफिकली इसको निकालना कैसे? ग्राफिकली निकालने के लिए ये टाइम और ये कॉन्सेंट्रेशन, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ मैंने बना रखा है. टाइम और कॉन्सेंट्रेशन. अब करना क्या है, इस ग्राफ को एक टेंजेंट ड्रॉ करो. इस ग्राफ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो और टेंजेंट को यहां तक और यहां तक बढ़ाओ. ड्रॉ ए टेंजेंट टू दिस ग्राफ. एक बात का ध्यान रखना है, ये टेंजेंट उस तरफ क्रॉस नहीं होनी चाहिए, दोनों के आर पार नहीं होनी चाहिए, टच करती निकल जानी चाहिए. ठीक है, टेंजेंट को जब आप इस तरह ड्रॉ करेंगे तो यहां पर निकालेंगे. तो चेंज इन कंसेंट्रेशन जो आ रहा है 0.04 डेल्टा एक्स और टाइम आ रहा है 17 मिनट. तो रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यानी कि यहां ओ ए बाई ओ बी, ओ ए बाई ओ बी या चेंज इन कंसेंट्रेशन एट द गिवन टाइम. तो टाइम कितना है 17 मिनट और डेल्टा एक्स है 0.02. तो ये वैल्यू जब हम यहां करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.04/1020 सेकेंड्स. तो यूनिट्स क्या है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, मोल पर लीटर पर सेकंड. तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए मैं फिर से एक बार दोबारा आई एम रिपीटिंग दिस, ड्रॉ ए कर्व बिटवीन कंसंट्रेशन ऑन द वाई एक्सिस, टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, और उस कर्व को एक टेंजेंट ड्रॉ करें, फिर टेंजेंट को दोनों तरफ एक्सटेंड करें, एक्स एक्सिस पे तक पहुंचा दो और वाई एक्सिस तक. y एक्सिस पे जहां टच करेगा दैट विल बी डेल्टा x और x एक्सिस पे जहां टच करेगा दैट विल बी डेल्टा t. और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला है डेल्टा x बाई डेल्टा t, तो उससे हमारा ये आंसर आ जाएगा. इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू 0.04/1020 मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका. ठीक है, क्लियर? तो ये है इंस्टेंटेनियस. सुबह हमने पिछले लेक्चर में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. कोई डाउट हो तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं. इज इट क्लियर? अब रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? हाउ वी एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ये एक मैंने रिएक्शन लिखा हुआ, ये कौन सा रिएक्शन है? हैबर्स प्रोसेस का फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का रिएक्शन. नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2 अमोनिया. अब इसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है. तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डी या आप प्रांड्ल भी यूज कर सकते हैं, प्रांड्ल. तो हम डी यूज करेंगे, डी N2/dt. और इसके लिए dH2/dt, d का मतलब होता है चेंज और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन. तो इसको पढ़ेंगे कैसे, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम. और प्रोडक्ट के लिए रिएक्टेंट के हिसाब से हमने लिखा है, अब प्रोडक्ट के हिसाब से हम लिखेंगे. प्रोडक्ट के हिसाब से ये होगा डी एन एच थ्री बाई डी टी.
dnsdt। अब इन तीनों को एक दूसरे से रिलेट करना। अच्छा एक और चीज, रिएक्टेंट के साथ माइनस साइन लगाना है, प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन, माइनस साइन विद द रिएक्टेंट्स एंड प्लस साइन विद द प्रोडक्ट्स। उसका कारण सूत्र बताया था, माइनस साइन का मतलब है कंसंट्रेशन कम हो रही है और प्लस साइन का मतलब है कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब इन तीनों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। इसका कोफिशिएंट है 1/1, तो 1 आ गया। इसका कोफिशिएंट है 3, तो इक्वल टू -1/3, और इसमें आ जाएगा इक्वल टू +1/2। सो ये आ गया माइनस डी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय डीटी इज इक्वल टू -1/3, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाफ प्लस साइन के साथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय डीटी। तो ये है हमारे एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इट्स क्लियर। सो इस तरह से हम, फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई और रिएक्शन लिखते हैं, PCl5 gives PCl3 plus Cl2, तो अब इसके हिसाब से हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, माइनस डी यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन डीटी इज इक्वल टू प्लस डी PCl3 अपॉन डीटी, और इसमें आ जाएगा प्लस डी Cl2 अपॉन डी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन माइनस साइन के साथ रिएक्टेंट्स के लिए, चेंज इन कंसंट्रेशन प्लस साइन के साथ, और इनके कोफिशिएंट सभी के 1 है, तो यहां 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है एक्सप्रेशन लिखने का तरीका। अब नेक्स्ट हेडिंग हम इस पे जाएंगे, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, मेरे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। यदि मैं ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं या बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। इसीलिए कोई भी रिएक्शन जब स्टार्ट होता है, ज्यादातर रिएक्शन जब स्टार्ट होते हैं वो फास्ट होते हैं या उनका रेट ज्यादा होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। धीरे धीरे समय के अनुसार कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो रेट कम हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन यदि हम रिएक्टेंट्स की बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट विल इंक्रीज। ठीक है, अगर मैं ए भी बढ़ा दूं या बी भी बढ़ा दूं, दैट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया। ये जनरली सॉलिड्स के लिए अप्लाई होता है, सरफेस एरिया। यदि हम सरफेस एरिया बढ़ा दें तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मुझे इस चौक का रिएक्शन करवाना हो, चौक क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मुझे इसका रिएक्शन करवाना हो तो इसको, ये इस समय एक सॉलिड है, लेकिन अगर मैं इसको पीस दूं, इफ आई क्रश इट और पल्वराइज इट, अगर मैं इसको पूरा क्रश कर दूं तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इफ सरफेस एरिया इज मोर, रेट ऑफ रिएक्शन
will be high, rate of reaction will be high. तीसरा factor है temperature. Temperature क्या कहता है? यदि हम रेट बढ़ाना चाहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करना चाहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त होती है और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. अगर हम काइनेटिक्स की भाषा में बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा. तो टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, रिएक्शन कोलिजन फास्ट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे. ठीक. चौथा फैक्टर है नेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स. नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, कई बार हम ऐसे रिएक्शन देखते हैं जो देखने में तो बिल्कुल सेम है लेकिन उनके रेट ऑफ रिएक्शन में बहुत अंतर होता है. तो रीजन क्या होगा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का मतलब है उनके बॉन्ड कैसे. किसी रिएक्टेंट में बॉन्ड बहुत मजबूत होगा, उसको तोड़ने में टाइम लगेगा तो उसका रेट स्लो होगा या लो होगा, और किसी रिएक्टेंट में बॉन्ड जल्दी टूटेंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा. तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का मतलब है बॉन्ड किस नेचर का है, बॉन्ड कैसा है, ताकतवर बॉन्ड है जिसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या वीक बॉन्ड है जो जल्दी टूट जाएगा. तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी लो, इफ बॉन्ड इज वीक द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई. नेक्स्ट है लाइट. लाइट हर रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती. कुछ रिएक्शन होते हैं जिनमें लाइट का बहुत ज्यादा रोल होता है, फॉर एग्जाम्पल फोटोलिटिक रिएक्शन, जो ऐसे रिएक्शन जो लाइट से डिकम्पोज होते हैं, तो उनमें यदि लाइट को पास किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू लिमिटेड नंबर ऑफ रिएक्शन, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल रिएक्शन. सो कंसेंट्रेशन, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, रिएक्टेंट्स और लाइट, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है. और एक है कैटलिस्ट. कैटलिस्ट से क्या होगा? कैटलिस्ट क्या होता है? ए सब्सटेंस विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बट नॉर्मली इंक्रीजेस वाली बात है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट डज नॉट फाइनली पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन, जब रिएक्शन खत्म होता है तो कैटलिस्ट वापस आ जाता है, बट ये शुरू में रिएक्शन को इंटरमीडिएट पाथ देता है, यानी रास्ता बदल देता है, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है. तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग द अल्टरनेट पाथ, बाय प्रोवाइडिंग द अल्टरनेट पाथ. सो कैटलिस्ट increases rate of reaction, increases rate of reaction by providing activation energy or by providing activation energy or alternate path. That's all for today. Thank you so much.